हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम लॉयड एसी का जो रिमोट है वो अगर गलती से भी लॉक हो जाता है तो हम उसको किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी नया नया एसी लिया है या फिर गलती से बच्चे जो हैं एसी को लॉक कर देते हैं, तो इस तरह से जो रिमोट है उसमें ये साइन बन जाता है। तो आप देख सकते हैं ये साइन बनाया हुआ है लॉक का, क्लियर दिख रहा है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। टेम्परेचर आपको दिख रहा है 16 का, लेकिन जब हम टेम्परेचर अप या डाउन कर रहे हैं तो लॉक इंडिकेट कर रहा है। अब इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है इस जो रिमोट है इसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कोई भी कीज़ दबा रहा हूँ तो इसमें ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें नॉर्मल तौर पे हमें डेली रूटीन में देखी जाती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए लॉक है। अब हम प्लस और माइनस की जो कीज़ हैं उनको एक साथ दबाएंगे तो इससे क्या है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप एक साथ दबाइए, ये देखिए मैंने दोनों को एक साथ प्रेस किया है। अब देख सकते हैं कि ये अनलॉक हो गया है। इसका मतलब कि अब जब आप रिमोट को यूज़ करेंगे तो ये वर्क करेगा। अब दोबारा से अनलॉक कर दिया मैंने इसको, ये देखिए ये दोबारा से अनलॉक हो गया। अब दोबारा से इसको अनलॉक कीजिए, ये अनलॉक हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक।